और महेंद्र सिंह धोनी जी ओपन करने उस मैच में गए। हम पहले 15-17 ओवर बचाने की कोशिश कर रहे थे विकेट, उन्होंने 15-17 ओवर मैच ही एक तरफा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम विवेक राजदान है और आज आपको एक नई राह पे लेके चलते हैं। एक और बढ़िया किस्सा, बढ़िया वाक्य जो घटा मेरे साथ, उसके बारे में बात करेंगे। तो खैर, इससे आगे चलते हैं और अब जो नई कहानी जिसको मैं यहाँ बयां करना चाहता हूँ, वो कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। 2003-04 बरेली हम पहुँचे थे, एक टूर्नामेंट खेल रहे थे हम अपने क्लब के लिए और दिलीप ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे ये, उसके बीच में थोड़ा गैप था तो ये हमारा सेमीफाइनल मैच खेलने आए। ये 2003 की बात है जब इंडियन टीम में इनका डेब्यू हुआ, उससे पहले की। तो वहाँ पे मैच था सेमीफाइनल, मैं कप्तान था टीम का हमारे, और टॉस हुआ तो टॉस जीत के पहले थोड़ा गेंदबाजी का इसलिए हमने निर्णय लिया क्योंकि पिच जो है वहाँ पे वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ सी लग रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था ये पिच किस तरह से बिहेव करने वाली है। तो हमने कहा चलिए पहले गेंदबाजी करते हैं। अब दूसरी टीम जो हमारे सामने थी ना, वो बढ़िया टीम थी क्योंकि उसमें कई रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे, वहीं की लोकल टीम थी लेकिन उन्होंने बाहर से खिलाड़ियों को बुलाया हुआ था। हमारी क्लब की टीम थी और क्लब की टीम में काफ़ी छोटे बच्चे भी थे, अजय जडेजा हमारे लिए वो मैच खेल रहे थे, कुछ पुराने रणजी ट्रॉफी के एक दो खिलाड़ी भी थे टीम में। तो बहरहाल मैच शुरू हुआ और शुरू होते समय हमें समझ गया आ गया पहले कुछ ओवरों में कि ये पिच किस तरह की होने वाली है। कुछ गेंदें नीचे रह रही थी, कुछ ऊपर उठ रही थी और दूसरी टीम को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से करते कराते वो 40 ओवर में 150-155 रन करने में कामयाब हुए। अब दोनों टीमें उस वक्त टेंट में बैठा करती थी, वहाँ पे कोई ऐसा ड्रेसिंग रूम था नहीं, तो वहाँ से बातें ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे पहले ही वो फाइनल की बातें करनी उन्होंने शुरू कर दी थी कि उनको लग रहा था ऐसी पिच के ऊपर इतने रन बनाने असंभव है। अब ये हुआ कि ओपनिंग करने हमारी टीम से कौन जाएंगे, अजय जडेजा तो एक ओपनर थे ही, तो मैं ये चाह रहा था कि कोई सीनियर खिलाड़ी उनके साथ ओपन करने जाए क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कोई जूनियर जाए ऐसी पिच के ऊपर। अगर शुरू में आपको विकेट खोनी आपने शुरू कर दी तो एक दबाव अतिरिक्त सा आ जाता है, रनों का दबाव। तो मैंने एक दो सीनियर खिलाड़ी जो थे जो मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते थे उनसे कहा कि आप क्यों नहीं ओपन करने जाते हैं, पहले 8-10 ओवरों में हमें रन नहीं चाहिए, बस आप विकेट ना खोएं, वो 10 ओवर निकाल दें फिर हम देखेंगे आगे कैसे लेके चलना है। अब उनकी भी शायद सोच अपनी सही थी कि उन्होंने कभी ओपन किया नहीं था, उन्होंने कहा भैया हम लोग तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, एकदम से ओपन करना वो भी ऐसे मैच में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब वहीं सामने महेंद्र सिंह धोनी बैठे हुए थे मुझे याद है और एकदम से खड़े हुए और कहा कि भैया मैं ओपन करना चाहता हूँ, मैं जाऊँ ओपन करने। एक तो उनकी बात करने के ढंग में इतना आत्मविश्वास झलक रहा था कि एकदम से मुझे लगा, मैंने कहा कि नेकी और पूछ मैं तो बाकियों से पूछ रहा हूँ, यहाँ एक खिलाड़ी जो अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहा है और वो ऐसी पिच के ऊपर वो ओपन करने के लिए कह रहा है, तो क्यों नहीं, मैंने बिल्कुल कहा। अब देखिए क्या होता है कि कुछ चुनौतियों से घबरा जाते हैं और कुछ चुनौतियों को एक अवसर में तब्दील कर लेते हैं। तभी कहते हैं ना का कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। और इसका सार क्या है कि जब कोई गोताखोर समुद्र में डुबकी लगा के उसकी गहराइयां खोजने की हिम्मत जुटाता है ना, उसी को मोती मिलता है, और जो गोताखोर जो है समुद्र की गहराइयों से डर के बाहर बैठ जाता है वो सिर्फ तमाशा ही देखता रह जाता है। तो अब महेंद्र सिंह धोनी जी ओपन करने उस मैच में गए और मैं आपको बता नहीं सकता उन्होंने किस तरह की बल्लेबाजी की। हम पहले 15-17 ओवर बचाने की कोशिश कर रहे थे विकेट, उन्होंने 15-17 ओवर मैच ही एक तरफा कर दिया। 120 रन की पार्टनरशिप हुई पहली विकेट की उनकी और अजय जडेजा के बीच, और धोनी ने उसमें से कम 93 रन बनाए। मार मार के उन्होंने गेंदबाजी का भूसा भर दिया उस पिच के ऊपर जहां गेंद इस तरह से चल रही थी, उन्होंने ऐसे छक्के लगाए ग्राउंड के पैरेलल जाके साइड स्क्रीन पे गेंदें लग रही थी, और एक बार तो गेंद इतनी दूर जाके दीवार पे ऐसे जोर से लगी कि वहां से टकरा के वापस बॉलर रनअप तक आ गई। मतलब वहां जितने लोग बैठे थे मैच देख रहे थे अचंभित रह गए कि ये कौन सा खिलाड़ी ऐसा आ गया है और उसने क्या खेल दिखा दिया है। तो ये नाम जो था और ये जो उनका जो उन्होंने अपने लिए एक रुतबा उस मैच में पैदा कर लिया, ये मैं 2003 की बात बता रहा हूँ आपको, तब तो ये नाम इतना ज्यादा किसी ने सुना भी नहीं था। तो ऐसे थोड़ी होता है कि 18 साल बीत गए हैं, 18 साल, और आज भी ये नाम देखिए कि किस तरह की उम्मीदें
किस तरह की महत्वाकांक्षा करोड़ों लोगों की लेके हमेशा अपने कंधों पे आज भी मैदान में उतरता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि आपकी जो सोच है ना, कहते हैं ना कि योर एटीट्यूड विल ऑलवेज डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। आपकी किस तरह की सोच है, आप किस तरह के इंसान है, वही ये तय करेगा कि आप जिंदगी में किस ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तो अंत में जाते जाते बस यही कहना चाहूंगा कि ये एक इस तरह का खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट को मिला है कि जब भी भारतीय क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, इस खिलाड़ी का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और कुछ पंक्तियां ये मेरे ख्याल से कोई इसी जिसने भी लिखी हैं, इसी तरह के किसी इंसान या इसी तरह के किसी खिलाड़ी के लिए लिखी होंगी, बिल्कुल उन पे फिट बैठती हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।